और अब रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर हिमखंड टूटा तो गरुड़ चट्टी को जोड़ने वाला वैकल्पिक पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। कई टन बर्फ के कारण रास्ता हुआ बाधित, तो 50 मजदूर बर्फ को हटाने में जुटे हैं। 3 से 4 दिन में रास्ता खुलने की उम्मीद। संवाददाता रोहित डिबरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते मंगलवार को कैदनाथ पैदल मार्ग के बैरे जगरे में हिमखंड टूटने के चलते पैदल मार्ग बंद हो चुका था। इसके एफएसडी यहां पर 100 मीटर क्षेत्र में भारी मात्रा में बर्फ गिर गई थी। इसके बाद से यहां पर डीजीएमए की जो टीम है, लोनली जो 85 की जो मजदूर है, 50 के करीब यहां पर मजदूर लगाए गए हैं जो हिमखंड को साफ करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही हम बता सकते हैं कि यहां पर हर दिन दोपहर बाद यहां पर बर्फबारी गिर रही है, जिस कारण जो मजदूर यहां पर जुटे हुए हैं कार्य में, वो उनको सामने भी चुनौतियां हैं, कहीं सारी दिक्कतें उनकी तरह हो रही है, जो कि 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने हैं। ऐसे में पैदल मार्ग का दुरुस्त होना जल्द से जल्द आवश्यक है, इसके बाद ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही हो पाएगी। इसके साथ जो पुराने निर्माण के जारे जो दिसंबर माह से बंद पड़े हुए हैं, उनको भी दुरुस्त किया ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही यात्रा तैयारियों को लेकर भी पैदल मार्ग का दुरुस्त होना जरूरी है। जो डीजीएमए के मजदूर है, वो नियंत्रण यहाँ पर कार्य करने में जुटे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक ऐसा गांव भी है